नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा चैनल लेन देन न्यूज और मैं हूं आपका दोस्त दिनेश मोशन। दोस्तों, दीपावली पर अक्सर चांदी की चीज़ खरीदना लोग शुभ मानते हैं, ख़ास तौर से चांदी के सिक्के या बर्तन वगैरह खरीदते हैं। लोगों का विश्वास है कि ये त्यौहार के ऊपर धनतेरस के ऊपर खरीदना शुभ रहता है। तो शुद्ध चांदी के सिक्के कहाँ मिले कोटा के मार्केट में, इसकी तलाश करने की आपको ज़रूरत नहीं है, हम आपको खुद बता देते हैं। कोटा का स्वर्ण रजत मार्केट में शुद्ध चांदी के सिक्के हाल ही में जारी किए गए हैं और उन्हीं सिक्के की जानकारी के लिए आज हम चर्चा कर रहे हैं। यहाँ के जो अध्यक्ष हैं स्वर्ण रजत कला उत्थान समिति के अध्यक्ष रमेश जी सोनी। रमेश जी नमस्कार। नमस्कार दा। तो रमेश जी, आपका कैसे विचार आया कि सोने इसके चांदी के जो सिक्के हैं अपन खुद लॉन्च करें? हमारे को ये विचार यूँ आया था कि जब कोई सिक्के खरीदता है धनतेरस के रोज, वो पूजन के लिए खरीदता है दीपावली के लिए, और अगर उसको शुद्ध चांदी के सिक्के ना मिलें तो वो बेकार है और एक विश्वासघात है हमारे व्यापार के साथ, दुकानदार के साथ या अपने ग्राहक के साथ। तो हमने एक विचार बनाया कि क्यों ना हाड़ौती की धरती पर पहली बार शुद्ध चांदी के सिक्के लॉन्च किए जाएं, जिसमें कि सिक्का ऐसा बने जो आपके हाड़ौती वाले भी याद रखें कि हाँ साहब, उसकी फिनिशिंग भी अच्छी है और शुद्धता के मामले में बिल्कुल एक्यूरेसी भी सही है। तो हमने उस सिक्के को 10 ग्राम, 20 ग्राम, 50 ग्राम और 100 ग्राम के लॉन्च किए और इसकी डाई बॉम्बे बन के आई है और इसकी दिल्ली ये सिक्के बने हुए हैं। संस्था का मोनोग्राम तो नहीं, उसका नाम दिया हमने पूरा, श्री स्वर्ण रजत कला उत्थान समिति बड़ा सराबा, रजिस्ट्रेशन नंबर। अगर इस सिक्के में सिक्का जरा कैमरे में दिखा, अगर इस सिक्के में 50 पैसे की भी गड़बड़ी हुई, 0.50 पैसे की मतलब आधी टंच की भी, तो उसके जिम्मेदार हमारी संस्था है और जिम्मेदार संस्था है तो जिससे हमने बनवाए हैं वो है दिल्ली वाला बंसल आभूषण भंडार, जो कि कोटा की धरती पे नाम चलता है उसका पूरे हाड़ौती में, विश्वसनीय में। उससे हमारा एक इकरार है कि अगर टंच नीचे बैठ गई तो मुआवजे तौर पर बहुत बड़ा आपको नुकसान होगा, इसलिए आप शुद्धता के मामले में बड़ी ध्यान से कार्य करें। तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया है और लिखित में हमारे पास उन्होंने ये कहा है कि 99/70 से अगर कोई सिक्का कम बैठ जाए तो उसके जिम्मेदार मैं हूँ। साथ में मैं स्वर्ण रजत अध्यक्ष होने के नाते मैंने सिक्के इसलिए निकलवाए हैं कि कम से कम हमारे बाजार की साख जो बरसों से चली आ रही है वो कायम रहे, क्योंकि इस पूरे राजस्थान में एक ही स्वर्ण रजत कला उत्थान समिति बड़ा सराफा, जो कि करीबन 400 दुकान है इसमें, हाड़ौती के राजस्थान में ऐसा मार्केट नहीं है जिसमें 400 दुकान हो, इसलिए इसको स्वर्ण रजत बड़ा सराफा मानते हैं और कहते हैं। इसमें हर प्रकार के ज्वेलर हैं, बड़ा सराफे में आपके थोक के भी है, आपके वो आपके रिटेल के भी हैं। लेकिन जो ये सिक्का बनाया है, आज हमारी हकीकत में इतनी डिमांड आ रही है सिक्का की जो हमने पहले नहीं देखी, जबकि अभी धनतेरस चालू नहीं हुई है। कल मैं खुद दिल्ली वाले से मिल के आया, मैंने 20 ग्राम के सिक्के के वाइज अलवेल नहीं है, दिल्ली से आ रहे हैं, कल मिलेंगे आपको, जो आज सिक्के फिर दोबारा आ गए बन के नहीं, और करीबन टारगेट हमारे 200 किलो सिक्के कम से कम निकल जाएंगे इस दीपावली के शुभ अवसर पर। बिल्कुल। तो अगर मान लो किसी को आपके यहाँ ये मार्केट में शुद्ध चांदी का सिक्का चाहिए तो वो कैसे प्राप्त कर सकता है मार्केट में? वो हमारे जो स्वर्ण रजत मार्केट में जितनी भी दुकान है रिटेल की, ये सिक्के सबके पास हैं, सबके पास हैं, सबने खरीदे हैं, और अगर नहीं होंगे तो अवेलेबल कराएगा, दिल्ली वाले से लाएगा, कैसे भी लाएगा। लेकिन मेरा भी एक निवेदन है, कोई भी सिक्का खरीदें तो स्वर्ण रजत कला उत्थान समिति बड़ा सराबा की नाम ज़रूर देखें, उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर देखें और वही सिक्का खरीदें, और हमारी कोई दूसरी संस्था नहीं है। तो इनकी कीमत का निर्धारण आपने किस आधार पर किया है, किस तरह
इसकी जो कीमत है 10 ग्राम जो सिक्का है उसकी तकरीबन हमें 50-40 रुपये की लागत आती है बनवाने में, तो प्लस 50 रुपये उसको जो बेचेगा दुकानदार उसको भी मुनाफा चाहिए, इसलिए वो सिक्का तकरीबन 700 रुपये का आपका 10 ग्राम का मिलेगा। क्योंकि एक मुआवजा से अपन देखते हैं कोई सिक्का 80% का हो और आप वो खरीदते हो 80% का, तो उसमें नुकसान आपको 2 ग्राम चांदी का हो गया। 2 ग्राम चांदी का मतलब हो गया आपका 2 ग्राम चांदी का मतलब 120 रुपये का नुकसान, 120 रुपये प्लस वो लेबर भी ले लेगा, तो आपको करीबन 180 रुपये का वो मार्जिन उसको दुकानदार को मिलेगा। लेकिन हम चाहते हैं कि ये सिक्का ओरिजिनल खरीदे, जो दुकानदार ये भी राजी है, दुकानदार भी राजी है हमारे कि हमें तो 50 रुपये मिले लेकिन रिटर्न पूरा मिलेगा हमें। सर नहीं, जैसे कोई बड़ा सिक्का खरीदे 100 ग्राम का खरीदा, 100 ग्राम का सिक्का, उसका किस हिसाब से रेट? 100 ग्राम का सिक्का खरीदोगे 7,000 रुपये का, मतलब 70 रुपये का 1 ग्राम, उसमें लेबर मैकिंग चार्ज सारी आ जाती है, सारी अपना जो भी ये खर्चा है वो पूरा मड़माड़ के आ जाएगी और टोटल 70 रुपये ग्राम के हिसाब से वो सिक्का। अब बाजार में जैसे दूसरे बाहर के बने हुए सिक्के भी बिकते हैं जो 60% 70% या 80% के होते हैं, मैं यही कहना चाह रहा हूँ। हाँ, तो उनसे बचने के लिए क्या आपकी सलाह क्या है? उससे बचने के लिए एक ही सलाह है मेरे पास कि उस सिक्के पर आप दुकानदार से कृपा कर यही कहें कि हमें तो स्वर्ण रजत मार्केट वाला सिक्का चाहिए, हमें तो वो अवेलेबल कराएं, अन्यथा हम दूसरा सिक्का नहीं लेंगे। तो अपने आप वो अवेलेबल कराएगा, अगर उसको ग्राहक तोड़ना है तो वो नहीं देगा और जोड़ना है तो वो कहीं से भी इस्तेमाल कहीं से भी ला के देगा। धन्यवाद रमेश जी, आपने जो सिक्कों की लॉन्चिंग के बारे में बताया, हम भी ग्राहकों से निवेदन करेंगे अगर शुद्ध चांदी के सिक्के खरीदने हो तो स्वर्ण रजत कला उत्थान समिति का उस पर मोहर देख कर ही लें। धन्यवाद रमेश जी।